लेमस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीक मैं राजस्थानी थाली के ऊपर रिव्यू की थी, आज मैं ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड के ऊपर रिव्यू करूंगी। वन ऑफ माय फेवरेट ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड मिलता है मैसूर पॉइंट पे। मैसूर पॉइंट कोचबा पे है। मैसूर पॉइंट का एवरी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। मैसूर पॉइंट इज वन ऑफ माई फेवरेट साउथ इंडियन फूड जॉइंट। वहां पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इडली, डोसा, रसम एंड राइस मिलेगा। मेरा फूड डिलीवरी आ चुका है, चलो जल्दी से जल्दी आज का फूड रिव्यू करते हैं। आई रियली लव साउथ इंडियन फूड बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और डिलीशियस होता है। आप भी कमेंट करके जरूर बोलना कि आपको कौन सा साउथ इंडियन फूड अच्छा लगता है। दिस इज माई होल ऑर्डर। दिस इज डोसा, दिस इज बटर एंड टू काइंड ऑफ चटनी मुझे मिला है। अभी पूरा ऑर्डर ओपन करके आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। दिस इज घी रोस्ट डोसा। दिस इज डोसा, दिस इज घी, दिस इज टू काइंड ऑफ चटनी, दिस इज सांबर। दिस इज उदीना बड़ा, टू बड़ा, सांबर एंड चटनी। उदीना बड़ा है वो ट्राई करती हूँ। ये जो चटनी है जो पॉपी सीड एंड कोकोनट से बना हुआ है उसके साथ ट्राई करती हूँ। एंड नाउ ट्राइंग विद सांबर। सांबर का थिकनेस बहुत ही अच्छा है। ये जो बड़ा है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, अच्छे से कुक्ड है। अंदर पे कोरिएंडर लीव्स एंड कोकोनट बहुत ही ज्यादा फील हो रहा है। सांबर के अंदर मस्टर्ड, हींग, टर्मरिंग, ऑनियन, टोमेटो, करी लीव्स का एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर फील हो रहा है। ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवर आपको मिलेगा। खट्टापन, मीठापन एक साथ एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन दे रहा है। ये जो कोकोनट का चटनी है उसका थिकनेस सही है। कोकोनट एंड पॉपी सीड का एक अच्छे से मिक्सचर है, बट खाने में थोड़ा सा मीठा ज्यादा लग रहा है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। नाउ फाइनली आई एम ट्राइंग घी रोस्ट डोसा। डोसा को उन्होंने घी से फ्राई किया था और उन्होंने एक्स्ट्रा घी भी ऐड किया था जो मैं घी ऊपर से डाल चुकी हूँ। घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। नॉर्मली डोसा में जो सांबर होता है उसमें सावरनेस ज्यादा होता है, ये वाला सांबर में सावरनेस से ज्यादा स्वीटनेस मुझे ज्यादा लग रहा है और अच्छा फ्लेवर तो लग रहा है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये डोसा और उन्होंने ये स्पाइसी चटनी भी दिया है जिसमें से रेड चिली का एक फ्लेवर आ रहा है। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, अच्छा लग रहा है टेस्ट करने में।
और जो कोकोनट की चटनी है जो बड़ा में भी था वो ही चटनी दिया है। मैं अपना लंच कंप्लीट करती हूँ और जल्द से जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तब तक बाय, टेक केयर।